दिल्ली के द्वारका जिला में दो भगोड़े अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। द्वारका जिला पुलिस ने हत्या के मामले में पैरोल पर भगोड़े चल रहे दो असातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं। विवेक और गोविंद के इन बदमाशों पर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। विवेक झा ने साल 2016 में एक मामूली बहस के बाद अपने स्कूल के शिक्षक को चाकू मार दिया था, जिससे उसके टीचर की मौत हो गई थी। वहीं गोविंद ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी के दौरान दो लोगों पर चाकू से हमला किया था, जिसमें युवक की मौत हो गई थी। यह दोनों 3 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे, उसके बाद लगातार फरार चल रहे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई और द्वारका जिला पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़े। आपको बता दें, दोनों 3 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे और उस बात लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद द्वारका जिला पुलिस ने इन दोनों को अब पकड़ लिया है। द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने दो ऐसे भाइयों को अरेस्ट किया है, जो उनमें से एक जो भाई है वो 2016 में अपने ही स्कूल टीचर को उसने स्टैप करके मर्डर कर दिया था। सब्सिक्वेंटली इनकी इंफॉर्मेशन स्पेशल स्टाफ के पास में थी और इन्होंने 4 अगस्त को प्रेमनगर थाना इलाके में एक बर्थडे पार्टी में, जो इनके एक्वेटेंस थे, उस बर्थडे पार्टी में इन्होंने एक अपने एक फ्रेंड का जो है मर्डर कर दिया था और उसमें ये दोनों वांटेड थे। सब्सिक्वेंटली स्पेशल स्टाफ की टीम ने इनको अरेस्ट किया, 2 बटनदार नाइफ्स के साथ अरेस्ट किया है और फर्दर लीगल एक्शन इसमें लिया जा रहा है।